हरिओम, मैं एडवोकेट स्नेहलता वीरा प्रजोत सिंह नाइक, शादी के पहले का नाम एडवोकेट स्नेहलता वीरा श्रीधर सिंह धोत्रे, उपासना सेंटर खारगर। मैं 1998 के रामनवमी से बापू के पास आ रही हूँ। ये मेरा अनुभव है, जब मेरा सेकंड ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और मेरे करीब मेरे क्लासमेट सॉरी मेरे कलीग की शादी के लिए मैं डोंबोली जा रही थी और मैं दादर रेलवे स्टेशन के ब्रिज के ऊपर थी। अब मुझे शादी के लिए जाने के लिए जो कपड़े पहने थे वो एक मैंने हाथ में लिए थे, एक बक्से में, एक मेरी एक बैग में एक हाथ में थे, दूसरे हाथ में मैंने जो गिफ्ट लिया था मेरी कलीग के लिए वो था। तो दोनों हाथ मेरे भरे पड़े थे और मैं ब्रिज के ऊपर थी और नीचे ट्रेन लगी पड़ी थी। अब जिनको दादर स्टेशन पता नहीं उन लोगों को मैं बता दूँ कि दादर स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ से एक दो लोग निकलते या जाते नहीं है, पूरी भीड़ की भीड़ निकलती है। तो अगर किसी को दौड़ना भी है, दौड़ के जाके पकड़नी है ट्रेन, तो वो नहीं पकड़ सकता, इतनी भीड़ रहती है। अब और मैं कभी नहीं दौड़ती हूँ, मेरा ये खुद का अनुभव है कि मैं लाइफ में कभी ट्रेन और बस दौड़ के नहीं पकड़ती हूँ। मुझे वो बड़ा अजीब, मेरे बड़ा डर लगता है कि अरे ठीक है टाइम पे पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो अगर गिर गए कुछ लूले लंगड़े हुए तो क्या करेंगे। तो फिर कभी नहीं दौड़ देती, मैं कछुए से भी बदतर हूँ इस मामले में। तो मैंने आधा जो सीढ़ियाँ थी वो उतर ली मैंने, और आधा मैंने सीढ़ियों पर उतर गई तब वो ट्रेन चालू हो गई। ठीक है चालू होगी, लोग पीछे हट गए, लेकिन उस टाइम मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं, फिर से थोड़ा अंधेरा जैसा छा गया और मैं पागलों की तरह दौड़ने लगी। दोनों हाथ में मैं थे, मैं दौड़ रही थी और मैं अकेले दौड़ रही थी, बाकी सब लोग पीछे आ गए थे और मेरे सामने आ गया जेंट्स का फर्स्ट क्लास। अब मेरे पास टिकट थी सेकंड क्लास की, जेंट्स कंपार्टमेंट में तो पूरी लाइफ में कभी नहीं गई थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ पता नहीं मैंने दोनों बैग्स लिए और ऐसे लिटरली ट्रेन में फेंक दिए और मैंने ट्रेन का रॉड पकड़ लिया। अब रॉड पकड़ने के बाद मैं पैर नहीं डाल पा रही हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि बाकी के लोग क्यों नहीं दौड़ रहे, क्योंकि जो दादर स्टेशन है उसमें बड़ा फॉल्ट ये है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है और जो ट्रेन का फुटबोर्ड है उसमें कम से कम 2 से 3 फीट का गैप रहता है। तो उस वजह से दौड़ के पैर अंदर डालना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसकी वजह से ये हुआ कि मैंने रॉड तो पकड़ लिया लेकिन बाकी बॉडी अंदर नहीं गई, तो ऐसे में जैसे रॉड पकड़ा था वैसे ही मैं ट्रेन के साथ घिसती चली जा रही थी। ये रॉड पकड़ा हुआ था और यहाँ पे मेरा फुटबोट अटक गया, तो मैं ये उसकी मेरा बैलेंस में था, ताकि पूरी ट्रेन मैं ट्रेन के नीचे थी क्योंकि जगह बहुत होने के कारण ये अटक गया था, पूरी बॉडी हवा में थी और जो पैर थे वो ज़मीन को लग रहे थे और मैं नीचे से ऐसे देख रही हूँ कि ट्रेन के पहिए घूम रहे और जैसे मेरे पैर ऐसे टेढ़े होके जाने लगे, मतलब 1 या 2 उंगली का फासला रहेगा और मेरे अभी पैर अंदर जा रहे, मैंने बापू को बोल दिया बापू पूरा ख़त्म कर। इन शॉर्ट मुझे बोला था बापू मुझे ऐसे लूला लंगड़ा नहीं होना, मुझे बस ख़त्म कर दे पूरा। और वैसे में क्या हुआ पता नहीं, मतलब जो न्यूटन के लॉ बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उन सब चीज़ों को बापू ने एक साइड पे कर दिया और जैसे कोई एयरपोर्ट पे अपना लगेज उठा रोलिंग बेल्ट से अपना बैगेज उतार के नीचे रखे, उस हिसाब से मुझे वहाँ से उठा के बापू ने प्लेटफॉर्म पर रख दिया। मतलब मैं ये अगर हाथ छोड़ती मेरी 90% बॉडी नीचे थी, तो अगर यह हाथ छूटा तो मैं पूरी नीचे जाने वाली थी और अगर यहाँ पे गिरने का कोई मतलब सवाल ही नहीं था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं हिली डुली भी नहीं, मतलब बस यहाँ से यहाँ पे किसी ने रख दिया और वो इतना खतरनाक था कि लोग भी मेरे पास नहीं आ रहे थे। अब मैं नीचे बैठ गई, मतलब ऑलमोस्ट लेटी थी, तब मुझे ध्यान में आया मतलब इंसान कैसे होता है कि जान बची तो वो नहीं, मेरा सामान भी है, तो मैं उसमें सामान भी देख रही हूँ। मैं वैसे ही प्लेटफॉर्म्स होके ऐसे पीछे देख रही हूँ कि मेरा सामान क्या करेगा, अभी कहाँ पे गया। तो एक ट्रेन से सिर्फ ऐसा हाथ बाहर आया और उसने मेरा सामान डाल दिया और वो जब सामान डाला तब मैंने देखा कि अरे 5-6 कदम पे प्लेटफॉर्म ही ख़त्म हो रहा था। मगर अगर मैं यहाँ पे नहीं रुकती, अगर मैं तो पता नहीं मैं कहाँ तक ऐसे ट्रेन के साथ निकल जाती थी। और वो हादसा इतना ये था बड़ा, मतलब जितना डरावना था कि कोई लोग मेरे पास भी नहीं आ रहे थे, सबको लग रहा कि मरी नहीं मरी क्या हुआ, इसका कोई हाथ भी नहीं लग रहा था, मैं ही खुद ही उठ पड़ी और सब ठीक था। उसके बाद बस यहाँ पे थोड़े से रैशेस हो गए थे, बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद एक छोटा अनुभव ये है कि जब मैं लॉ कॉलेज में थी, हमारा एक लैंड लॉ करके एक सब्जेक्ट था, उसमें 35 करके लॉ थे, बड़े छोटे छोटे लॉ थे, तो बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो हम सब फ्रेंड लोगों ने एक बिल्डर को ढूंढा जो एक जान पहचान के थे, तो उनके पास से हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेते थे। तो उनका एक दिन मुझे कॉल आ गया और बोल रहे कि स्नेहलता तुम बच गए। मैंने बोला मुझे नहीं समझा कि आप बच गए, तो उन्होंने बोला मेरे सदगुरु माउली ने मुझे एक मैसेज भेजा है तो तुम बच गए। मैंने मुझे बोला कि आपके सदगुरु है आपको मैसेज भेज रहे, मेरा क्या लेना देना है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि स्नेहलता आपके बारे में मेरे दिमाग में बड़ी गंदी बातें आई थी और वो मैं करने जाने वाला ही था, मैं उसके लिए घर से बाहर निकल रहा था,
तब मेरी सदगुरु माउली ने मुझे फ़ोन किया और मुझे मिलने के लिए बोला। मैं वहाँ पे गया तो उनकी जो गुरु भगिनी थी उन्होंने उसको बताया कि सदगुरु ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि जिस लड़की के बारे में आप गलत सोच रहे हो उसके बारे में कुछ गलत करने का सोचना भी मत, क्योंकि उसका सदगुरु इतना पावरफुल है कि अगर वो आपकी बिगाड़ने पर आया तो मैं भी नहीं बीच में आ पाऊँगा, मैं भी आपको संभाल नहीं पाऊँगा। तो बोल रहा है कि तुम्हारे गुरु की जो ताकत है उस वजह से आप बच गए, वरना उस दिन मैं जो निकला था वो कुछ गलत करने के लिए ही निकला था। मतलब सदगुरु जो हम सामने देखते हैं वो तो अनुभव है, ऐसे कई पीछे अनुभव है जो देखे भी नहीं है लेकिन ये हमारे साथ होते हैं। मतलब जैसे फूल में रखता है छोटे से बच्चे को, ऐसे तरह हर जगह से प्रोटेक्ट करके बापू ने हमें रखा हुआ है। और डैड सबसे मतलब हम लोग बच्चों से इतना प्यार करते कि उनको कुछ भी नहीं होने देते, जो पता नहीं होता वैसे भी हो चीज़ें हो जाती है लेकिन हम लोग बड़े सेफ रह जाते हैं। आई लव यू माई डैड। हरिओम। श्री राम। अम्बन्या ना सवित।